नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपके साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को शेयर करूंगी। आप इसे, मैं इस शब्द को इसलिए शेयर करना बोल रही हूं कि पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ आपको सफल कराना भी मेरा मकसद है। इसलिए शेयर शब्द ये होगा कि केवल टीच नहीं किया जाए, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहा जाए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस, चूंकि एक टॉपिक हम लोग सिलेबस का लेकर ही चलेंगे, एक हमारी जो भी लेक्चर होगा वो टोटली आपके सिलेबस पे होगा पॉलिटिकल साइंस पे। लेकिन आज चूंकि हमने जो अपना ट्रेंड लिया है, जो हमने आपको देने के लिए सोचा है, हमने ये चाहा है कि टीजीटी आपको इतना इजी लगे कि ये लगे ही ना कि हमने किसी भी टफ एग्जाम को दिया है। वो हम जिस प्रकार पॉलिटी मेरे लिए सरल हो सकता है, उसी प्रकार वो आपके लिए इजी हो जाए। तो इस हिसाब से सोचकर, जैसे अगर बात की जाए टीजीटी में पॉलिटिकल साइंस की, तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडिया। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंडिया, तो जैसे अगर ये शब्द है जो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, मैं केवल आपको मेजर टॉपिक बता रही हूं जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में आप समझ रहे हैं कि कई प्रकार के चिंतक हमारे यहां, कुछ ऐसे चिंतक हैं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कुछ विदेशी चिंतक हैं। तो ये जो चिंतक है, यानी जो हमारे यहां थिंकर है, जिनकी थॉट है, ये हमें पढ़ना है उनकी थॉट क्या है, यानी उन चिंतक का दर्शन क्या है, उस दर्शन का वास्तव में स्रोत क्या है, वो दर्शन का वास्तव में मूल्य क्या है, निचोड़ क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे एक मेजर टॉपिक के रूप में। कब? जब हम आपके बीच सिलेबस को ला देंगे, तब मैकियावेली, रूसो, प्लेटो, अरस्तु, हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब हम जान लाख इन सब की बात करेंगे, लेकिन हम एक क्रमबद्ध करेंगे, सारे विचारकों की बात करेंगे, एक तरफ उन विचारकों के दर्शन की बात करेंगे, उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं भारतीय संविधान में या भारतीय नियमों में कहां आपको दिखाई देती है, इन विचारधाराओं की बात करेंगे। उसके बाद हमारी एक और रणनीति यह है कि एक एक टॉपिक जैसे ही समाप्त होता रहे, वैसे ही उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाके रखे जाएं, जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी समझे। यानी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक अलग बात होगी, एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन टॉपिक जैसे मान लीजिए हमने समाप्त किया इंडियन प्रीएम्बल, यानी हम भारतीय प्रस्तावना की बात करें संविधान की, हमने इसको समाप्त किया, हमने भारतीय संविधान सभा समाप्त किया, हमने भाग 3 मौलिक अधिकार समाप्त किया, हमने जो भी टॉपिक समाप्त किया उस टॉपिक में जो मजबूत क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार उनको सॉल्व किया जाता है, यह रणनीति हम आपको हर टॉपिक के अंत में बताते चलेंगे। हम पहले इस बात को समझ लें कि एक भी टॉपिक, एक भी सिलेबस का अंग ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा। लेके हम सबको चलेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ रणनीति बता रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं और आपको किस प्रकार फायदा हो सकता है। तभी फायदा होगा मित्रों जब आप इस टॉपिक को हमारे साथ मजबूती के साथ पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने बताया आपको कि एक पूरा क्लास ही, पूरा लेक्चर ही हमारा क्या होगा, सिलेबस के लिए होगा और वो हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि आज आपको यह बताना है कि वास्तव में टीजीटी की रणनीति क्या है और हमारी कोचिंग परिवार ने किस प्रकार से टीजीटी रणनीति को
तोड़ने के लिए, यानी आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सके और अपने सक्सेस को पा सके, इसके लिए हमारी कोचिंग ने, परिवार ने, हमारी कोचिंग संस्था ने क्या किया है, ये केवल हम आपको एक तरीके के माध्यम से बता रहे हैं। इसी माध्यम की कड़ी में आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का आईना या भारतीय संविधान का आधारशिला। ये तीन नामों से जानी जाती है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान अगर आत्मा है, भारतीय संविधान अगर शरीर है, तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम उस प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, हम उस उद्देशिका की बात कर रहे हैं जिस पर पूरा पूरा संविधान क्या है, एक महल के रूप में, एक घर के रूप में विकसित खड़ा हुआ है। अब हमने आज तक प्रस्तावना को रटकर पढ़ लिया, उसको समझ लिया, शब्दों को तोड़ लिया। हम कई लोग होंगे जिन्हें अब तक याद होगा, और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल रट्टा मार के पढ़ा है। तो याद कर लीजिए, अगर आपने प्रस्तावना वास्तव में पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसके शब्दों को समझ गए हैं, तो आधा संविधान आप ऐसे समझ गए हैं, क्योंकि यही प्रस्तावना वो है जो आपके मौलिक अधिकार, राज्य के कर्तव्य, संघ का क्या योजना और संघ के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सरकार का स्वरूप कैसा है, हमारे यहाँ विधायिका किस प्रकार कार्य करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, कितने प्रकार के न्याय की बात की जाए या स्वतंत्रता की जाए, नागरिकों को क्या चीज दिया जाए कि जिससे नागरिक अपना संपूर्ण विकास कर सके, ये सब किस पे डिपेंड है, तो आपका प्रीएम्बल है। हम उस प्रस्तावना की बात कर रहे हैं जिस प्रस्तावना में हमने क्या कहा। प्रस्तावना के पहले हम थोड़ा सा अगर बात कर ले संविधान सभा की, आज चूंकि कोई एक टॉपिक का मैं स्टार्ट करना नहीं चाह रही हूं, आज मैं केवल आपको क्या चाह रही हूं कि आप मेरे साथ पॉलिटिकल शब्द को समझ लें। पॉलिटिकल शब्द समझने की क्या है, जैसे आइए इसके पहले एक क्रम आपको बताएं, एक क्रम आपको बताएं और क्रम के साथ ले चले। अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान, विकसित हुई, तो उसका क्रम क्या हो सकता है, बात समझिएगा। मैंने कहा भारतीय संविधान अगर विकसित हुई तो उसका क्रम क्या हो सकता है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि किसी भी देश के संविधान के विकास में उस देश का इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतिहास ने क्या कहा, इतिहास ने बताया कि हमारे अतीत में किस प्रकार के संघर्ष हुए, हमारे अतीत में लोगों ने किस चीज की मांग की, और उसी मांग के लिए जो विद्रोह हुए, जो आंदोलन हुए, उन्हीं सब को शामिल करके तो संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए ये क्रम अगर मैं बात करूं तो पहले क्रम पे सबसे पहले लाया जाता है संवैधानिक काल का विकास। क्या पढ़ना है? संवैधानिक काल का विकास। इसके बाद क्या पढ़ना है? तो संविधान का निर्माण। मतलब संवैधानिक काल का विकास वो आधारशिला है जो बताती है कि आपके यहां का संविधान का स्वरूप कैसा होगा। क्यों? क्योंकि यही वो कालखंड होता है जहां इतिहास की घटनाएं घटित हो रही होती हैं, लोगों की मांग आंदोलन के रूप में बढ़ रही होती हैं,
और व्यक्ति उस समाज की कल्पना करने लगता है जो समाज वो पीड़ित समाज भोग कराया होता है, और वो नहीं चाहता है कि हमें वर्तमान या आने वाले भविष्य में उस प्रकार की समाज देखना पड़े। इसका मतलब यही वो कालखंड है जो बताता है कि मनुष्य की मांग क्या होगी, किस पर उस देश का संविधान टिका होगा, यानी संवैधानिक काल का विकास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर संविधान का निर्माण क्यों, क्योंकि हमने विकास के कालक्रम में बहुत लड़ाइयां लड़ ली, अब हमने अपने संविधान के निर्माण की ओर क्या किया है, कदम अग्रसित किया है, तब क्या किया जाए, तो बताया गया कि संविधान के निर्माण के लिए कई भाग बनाए जाएंगे, अनुसूचियां बनाई जाएंगी, समितियां बनाई जाएंगी। इसका मतलब अब आप समझ लीजिए कि भारत में बनाई गई जो अनुसूचियां हैं, पहले 8 बाद में 12, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस अनुसूची में क्या कहा गया, कौन सी अनुसूची नागरिकता की बात करेगी, कौन सी अनुसूची पंचायत राज की बात करेगी, किसमें किस संशोधन के माध्यम से इस अनुसूची को शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे इधर समितियों के बारे में, कितने प्रकार की समिति है, नेहरू समिति क्या है, झंडा समिति, प्रारूप समिति, जो समितियां इतनी मजबूत हैं जिन्होंने अपने विचारों को रखकर एक बहुत मजबूत संविधान का निर्माण किया है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम, अब अग्रसित होंगे प्रस्तावना की ओर, उसके बाद मूल अधिकार नीति निर्देशक, यानी हम क्या है ये भारतीय संविधान की विशेषताएं जो आपके टॉपिक है हम उनमें बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ भारतीय संविधान को पढ़ना है, उनकी विशेषताएं पढ़नी है, भारतीय संविधान भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार कार्य कर रहा है, आंदोलन या जो भी विद्रोह हुए थे संवैधानिक काल के विकास में किस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, 1784 पिट्स बना, किस प्रकार 1813 के अधिनियम को पारित करते हुए 1947 भारत स्वतंत्रता विधेयक आया, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इन सब पे बहुत सवाल बनते, वो सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा। फिर एक तरफ जब ये भारतीय संविधान की ओर हम बात कर रहे होंगे जो एक अलग टॉपिक है, उसी तरीके से हम कई मेजर टॉपिक जो दार्शनिक चिंतक और उनके दर्शन हैं, जो विदेशी चिंतक है, जो भारतीय चिंतक है, हम उन सब की बात करेंगे। इसका मतलब सब अलग अलग टॉपिक होगा, सब एक लेक्चर, मैंने बार बार इस बात को कहा है आपसे कि एक लेक्चर हम सिलेबस पे रखेंगे, तो वो लेक्चर इसके बाद वाला होगा, बाकी आज हम केवल इस चीज को समझे कि वास्तव में इतनी चीजों को पढ़ने के बाद जो संविधान पढ़ाने हम जा रहे हैं, यानी हम क्लास 6 से लेकर 10th के बच्चों को जो देते हैं, यानी मिडिल क्लास के बच्चों को जो हम देते हैं, वो क्या होता है, वो वही नींव होता है जो प्रस्तावना है, वो वही आधारशिला होता है जो प्रस्तावना है, जिस पर आगे चलकर उनकी महल खड़ी होगी। तो सबसे मजबूत टीचर कोई है तो वो आप है, जो बच्चों को क्या करते हैं, एक परिपक्व घड़े की तरह बनाते हैं, न जाने कितनी बार तोड़कर मरोड़कर बातों को समझाकर आप ले जाते हैं। वही बनाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूं कि हम इतने इतने कालखंडों को और इतने इतने टॉपिक को बांट कर पढ़ेंगे, लेकिन आज चूंकि केवल चर्चा हो रहा है सोशल सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस विषय पे, तो अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की, जैसा हम अभी समझ लिए हैं कि हमें किस प्रकार इसको आगे चल के पढ़ना है। प्रस्तावना की बात तो तब आती है जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की मांग को बहुत जोर शोर से उठाई, जैसे 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से अगर सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला संविधान सभा के लिए किसी ने रखी तो वो थे माननीय बाल गंगाधर तिलक। चूंकि अशांति के जनक कहला रहे हैं इसलिए उनकी बात को किसी ने माना नहीं, तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद 1922 में गांधी जी भी कह रहे हैं, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं, फिर 1936-37-38 के मगरीरू अधिवेशन में संविधान सभा की बात की जा रही है। तो ये संविधान सभा किस लिए बनाई जा रही है, ये संविधान सभा की मांग किस लिए रखी जा रही है, तो बताया जाता है कि ये संविधान सभा केवल और केवल एक ऐसा पटल था
जिस पर बैठ के सभी संविधान निर्माता किसका निर्माण कर सकते थे, तो भारतीय संविधान का निर्माण कर सकते थे। यानी जिस पटल या जिस मंच पर बैठकर संविधान का निर्माण हो सकता था, जिस पर लोग अपने विचारों के माध्यम से, अपने मतों के माध्यम से बहस कर एक रिजल्ट की ओर आगे बढ़ सकते थे, वो क्या है? तो वो संविधान सभा है। और वो संविधान है जो संविधान यहां पर निर्मित हो रहा है। और इसी संविधान का सबसे प्रमुख पाठ क्या है? प्रस्तावना, जो हमें ये बताता है कि भारतीय संविधान में ये जो है, इसने केवल इतना बताया कि मैं तो एक निचोड़ हूं, मैं एक आईना हूं, मैं एक दर्पण हूं जो आपको बता रहा हूं कि अंदर क्या क्या है। बात समझिएगा, सबसे मेन पार्ट है जो ये बता रहा है कि अंदर आपको क्या पढ़ना है। मतलब सब कुछ कहां समाहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। बाकी क्या है? तो बाकी संविधान की व्याख्या मात्र है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसे हमें क्यों पढ़ना है। प्रस्तावना, प्रियम्बल अथवा उद्देशिका क्या कह रही है? हमारे देश की संविधान का प्रस्तावना कह रही है कि किसी भी अधिनियम का सृजन तभी होता है जब उसका एक मुख्य कुछ दर्शन हो। तो मैं क्या हूं? मैं भारतीय संविधान का दर्शन हूं। और ये किसने कहा? तो हम भारत के लोगों ने कहा। ये कैसी प्रस्तावना है? तो जिस प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता के माध्यम से पारित कर दिया है। यानी हम भारत के लोग कौन? हम भारत के लोग। फिर पूछा गया, क्या करना है भैया? हम भारत के लोग भारत को एक, मैंने क्या कहा, प्रस्तावना तोड़ के पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम भारत के लोग भारत को, किसकी बात की गई है? तो भारत को क्या करना है? भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। बात बहुत ध्यान से समझिएगा और इतना याद रख लीजिएगा कि किसी परीक्षा की रणनीति होती है, सिलेबस हमारे हाथ में हो, जो पढ़ रहे हम उस पढ़ने के आशय को समझे, उसके थीम को समझे, उसके कहने का आशय क्या है, आधारशिला क्या है। प्रस्तावना क्या कह रहा है? हम भारत के लोग, यानी जनता ऐसी जो अपने देश की बात कर रही है। इसीलिए हर विश्व में ये शब्द जरूर होता है, देश के मायने बदल जाते हैं। भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो पूछा गया, कैसे बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एक मजबूत राष्ट्र किस प्रकार बनाना है? तो कहा गया, हम भारत के लोग अपने भारत को, कौन से भारत को? जिस भारत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाह रहे हैं। यानी प्रस्तावना की पहली लाइन किसको समर्पित है? तो भारत के देश को समर्पित है। और भारत के देश को भारत की जनता ने समर्पित किया है। और क्या कहा है? कि हम समाजवादी बनाना चाह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाह रहे हैं, लेकिन यह सब बनाना कैसा है? जब मेरा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत हो।
फिर पहली बार जो मैंने बताया कि भारत को समर्पित है, इसके बाद उसके समस्त नागरिकों को यानी एक तो हमने ये बता दिया कि अपने देश को ऐसा चाह रहे, दूसरा हमने कहा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाना चाह रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात है, तो बिल्कुल सही है, तीन प्रकार के न्याय की बात है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। फिर अगर पूछा जाए कि पूरे संविधान में न्याय शब्द कहां पे है, यानी मेरे कहने का मतलब जिस प्रकार के न्याय की बात की गई है वो पहली बार कहां पे है, तो आप जानते हैं प्रस्तावना में ही बता दिया गया है कि हम भारतीय नागरिकों को क्या चाहते हैं, तो ये तीन प्रकार के न्याय दिलाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कौन दिलाना चाह रहा है? आपने कहा हम भारत के लोग। किसके लिए? भाई खुद के लिए, क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों से पीड़ित हुए थे, हम शोषित हुए थे, इसलिए हमने मांग की। और हमारा भारत जब ऐसा होगा तभी तो वो ये हमें देगा, इसलिए हमने इसकी मांग की। यानी हमने क्या किया, अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाया। फिर हम अपने नागरिकों को क्या दिलाएं? फिर कहा गया तथा अब ये तीन प्रकार के न्याय की बात हो गई और पांच प्रकार की स्वतंत्रता दिला दे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना, यानी तीन प्रकार के न्याय और पांच प्रकार की स्वतंत्रता दिलाने की बात की गई नागरिकों को। अब पांच प्रकार के जो ये न्याय है, तीन प्रकार की जो ये स्वतंत्रता है और तीन प्रकार के जो ये न्याय है, इस पर हम कंप्लीट इस व्याख्या को समझेंगे। तथा उनमें देखिए, जब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, जब हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं की तरफ आएंगे, एक तरफ हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम विचारकों को भी पढ़ते चले जाएंगे, टॉपिक पढ़ते जाएंगे, शिक्षा दर्शन पढ़ते जाएंगे, और एक तरफ इनको भी कंप्लीट करते जाएंगे, तब हम यहां पे आपको पूरा प्रीएम्बल लिखकर दिखाएंगे और उसके बाद उनके एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। तो इससे यह रहेगा कि अगर आप उसे नोट कर लेते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछता है, फिर पूछता है कि एक ही बार के संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कोई संशोधन हुआ, तो मान लीजिए कि हुआ है, फिर किस वाद के द्वारा हुआ, यानी कौन सा ऐसा निर्णय आया, तो जितने निर्णय बने 1960 बेरूबाड़ी पढ़ना है, एके गोपालन बना मद्रास राज्य पढ़ना है, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य बनना है, फिर पढ़ना है, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिस पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं और उसी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी की बात की गई है, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, आज केवल इस पहलू को देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी अब जितनी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, मैं बार बार इस शब्द को लिख रही हूं,
मैं आपके सामने बार बार इस शब्द को लिख रही हूं, नागरिक शब्द, कि आपको याद हो कि पहली बार तो भारत को वो 5 प्रकार की मजबूती देने के बाद उसके नागरिकों की बात की जा रही है, तो नागरिकों को और क्या दे दिया जाए? समान अवसर की समता, यानी समता की बात की गई है। फिर प्रतिष्ठा, फिर गरिमा, यानी इतनी बातों को देने के बाद फिर क्या होगा, तब आप समझिए प्रस्तावना ने कहना क्या चाहा, ये समझिए। प्रस्तावना ने कहा पहले तो हम इस राष्ट्र, अपने देश, अपने भारत को, जिसके लिए हम संविधान बना रहे, उसको मजबूत बनाना चाह रहे हैं। भाई भारत मजबूत हो गया तो इससे हमें क्या मिला, तो उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं? तो संविधान निर्माताओं ने, भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने कहा कि इसके बाद हम नागरिकों को कुछ देना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा प्रस्तावना में दिया गया शब्द अधिकार किसके लिए है, तो नागरिकों के लिए, यानी हम उन रहने वाले नागरिकों की बात करते हैं। अब भाग 2 नागरिकता जब हम पढ़ेंगे तो नागरिक कौन है, किस प्रकार नागरिक बन सकते हैं, किस प्रकार आजादी के बाद नागरिक थे, इसकी हम कई प्रकार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां समझिए कि इसके बाद जो अवसर दिए गए, जो स्वतंत्रता दी गई, जो न्याय दिए गए, ये सब किसको दिए गए, तो ये सब भारत के नागरिकों को समर्पित किए गए, जिससे क्या होगा, तब जाके अगर ये सब कुछ आपको मिलेगा तब नागरिक का सर्वांगीण विकास होगा। फिर ऐसा विकसित नागरिक अपने समाज का नाम उत्कृष्ट करेगा जिससे उसके राज्य का नाम होगा, और राज्य के नाम के बाद उसके देश का नाम होगा, और देश के नाम के बाद वो व्यक्ति कभी भी जाति पाति धर्म या किसी अन्य सामाजिक कुरीतियों की बात नहीं करेगा। वो हमेशा कहेगा कि एक ही मजबूत राष्ट्र है, और वो राष्ट्र क्या है, तो वो राष्ट्र खंडित राष्ट्र नहीं है। इसलिए भारत क्या होगा, भारत खंडों खंडों में बटा भारत नहीं होगा, भारत एक भारत होगा जो जाति धर्म संस्कृति भेदभाव इन सब से ऊपर होगा। और उसमें क्या होगी, तो उसमें केवल और केवल एक ही बात होगी, जो संविधान के अनुरूप दी गई शिक्षा है, जो संविधान के अनुरूप दिया गया उद्देश्य है, जो भारतीय संविधान ने समान नागरिकता की बात की है, वो है। तो प्रस्तावना में हमने क्या कहा आपको, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यानी जब हमने इतना दे दिया और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो गया, तो उसने क्या किया, राष्ट्र के प्रति तो दृढ़ संकल्प ले लिया और विकसित किया, दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2000 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यानी हमने कब किया ये सब, तो ये सब हमने तब किया जब हमने सबकी मजबूती दे दी और अपनी आधारशिला को मजबूत कर लिया तब। अब सवाल ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इतनी मजबूत है, आज एक इसका केवल और केवल रूप देख लीजिए, एक दर्शन देख लीजिए, व्याख्या बहुत मजबूत होगी। जैसे सवाल, क्या प्रस्तावना आरंभ से ही संविधान का भाग था?
संशोधन किस अधिनियम द्वारा? किया गया? कब और कौन कौन से शब्द शामिल किए गए? और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी फार्मूला क्या है और कब लाया गया? यानी अगर इतने सवाल मन में है तब आप समझिए कि प्रस्तावना सही है। कैसे सही है? हमने उसको सही ढंग से पढ़ा है। बात करें क्या प्रस्तावना आरंभ से ही संविधान का भाग था? तो बिल्कुल नहीं था। प्रस्तावना आरंभ से संविधान का भाग था ही नहीं। आइए अब इस पर चर्चा करें। मैंने कहा आपसे कि एक एक व्याख्या एक एक शब्दों की तोड़ के की जाएगी, सब किया जाएगा जब हम वास्तव में लाइव क्लास की ओर बढ़ेंगे और आपके साथ टीजीटी क्लास स्टार्ट करेंगे, तब एक एक शब्द। और मैं और मेरे कोचिंग परिवार ने यही ठाना है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, यही ठाना है कि यही एक एग्जाम नहीं, आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते हुए न जाने कितने एग्जाम्स क्लियर करेंगे। बस उम्मीद यही है कि संख्या बढ़े सफलता की, छात्रों की, और लोग हमसे जुड़े। इसी वजह से हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उस मेहनत को खरे उतारने में, उस मेहनत को सफल बनाने में मात्र इतना सहयोग करें कि केवल और केवल पढ़े 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 अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। क्या प्रस्तावना आरंभ से ही संविधान का भाग था? तो बिल्कुल नहीं। संविधान का आरंभ से प्रस्तावना भाग नहीं था। कैसे नहीं था इसको समझिए। हम पढ़ेंगे एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 को। इतना केसेस क्यों बताया जा रहा है जबकि ये तो पीसीएसजे पीसीएस और यूपीएससी के पैटर्न में आता है? इसलिए कि आज के जो एग्जाम्स का ट्रेंड है वो कोई नहीं जानता। जैसे मैं कहूं कि टीजीटी के सारे बुक्स ला दें और सारे क्वेश्चंस आंसर के सिलेबस को इकट्ठा कर ले और खूब पढ़े, हो सकता है सफल हो जाए और हो सकता है तो रणनीति फिसल जाए। हमें यह तो पता है ना कि ये सिलेबस है, लेकिन यह नहीं पता ना कि ट्रेंड क्या हो क्वेश्चन का। इसलिए क्या किया जाए, एक एक टॉपिक को उठाया जाए और उसमें पूरे पूरे को पढ़ लिया जाए, छोड़ा ही ना जाए। पता नहीं कहां से सवाल आए आए, हमने तो तैयारी कर रखी है। मैंने बताया ना लिंकन साहब की बात कि 8 घंटे तो उस धार को मजबूत किया जाए, बाकी 2 घंटे तो हम तैयार है अपने हथियार के साथ, तो आप भी तैयार रहे। एक तो हमने बताया आपको संविधान का भाग आरंभ से नहीं था। क्यों नहीं था? एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 कह रहा है। फिर बेरुवाड़ी यूनियन ১৯৬০ ने भी कहा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने भी कहा फिर इसके बाद सबसे मजबूत और सकारात्मक संविधान पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्या कहा गया अब ऐसे समझिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो बहुत मजबूत है, अभी तो इसके बाद की क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम थिंकर पढ़ेंगे। फिर जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कब शामिल किए गए शब्द कहते क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे। आज ये समझिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना इतनी मजबूत है, जिस पर पूरा पूरा संविधान टिका है, वो आरंभ से हमारे संविधान का भाग नहीं था। था क्या? एके गोपालन बनाम मद्रास राज 1950 में कहा गया, चूंकि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह न्यायालय में लागू नहीं कराई जा सकती, न्यायालय में इसके लिए वाद नहीं लाया जा सकता, इसलिए हम इसे संविधान का भाग नहीं मानते। कब कहा गया? पहली बार एके गोपालन बनाम मद्रास राज 1950 के बाद में कहा गया। फिर इन रिबेरुबाड़ी यूनियन 1960 के बाद में कहा गया, यह संविधान का अंग नहीं है। क्या नहीं है? तो कहा गया कि यह संविधान का अंग नहीं है। क्यों? तो इन्होंने तर्क दिया, यह संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यह क्या है? तो जब संविधान की भाषा संदिग्ध लगे और अस्पष्ट लगे, जब संविधान की भाषा संदिग्ध लगे और अस्पष्ट लगे, तब यह क्या है? तब यह संविधान को समझने में सहायक है, किंतु उसका अंग नहीं है। ठीक, यही एक आधार था जिसे बाद में इन्हें परिवर्तित करना पड़ा। कि मान लीजिए, मैंने जैसे आपको समझाया कि संविधान का अंग नहीं है, भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट लगे, तब आप इससे सहायता मात्र ले सकते हैं। कोई चीज है, मैं कह दूं कि आपके पास पेन है, उसका कैप नहीं रहे आपके पास, और आपसे किसी ने पेन मांगी। मान लीजिए आप कहीं बैठे और आपसे किसी ने पेन मांगा, आपने उसको दिया, उसने कहा ये तो कंप्लीट नहीं है, तो आपने कहा कि जो इसका कैप था उसका कोई यूज नहीं था, यूज तो केवल इसका है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो निसेसरी पार्ट है। सामने वाले ने कहा पेन तो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उस पर कैप हो, मैं कैसे मान लूं कि ये कंप्लीट है? तो वही बात है जो आपको इनकंप्लीट दिख रहा, वही बात कैच करने लायक थी कि जब भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट हो, वहां संविधान को समझने में सहायक है, इसलिए कहीं ना कहीं भाषा बताने में अगर सहायक है और वो व्याख्या करने में सहायक है तो अंग है। लेकिन बेरुबारी यूनियन 1960 में इसको माना नहीं गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। इसमें केवल यह कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। अब ये तीनों चीजें, तीनों बातें आपके सामने, तीनों तथ्य आपके सामने। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण केस की। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। न्यायमूर्ति सिकरी हैं, न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार संविधान के अन्य उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है,
उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण भाग है और ये वास्तव में कहा जाए तो आधारशिला है संविधान का। क्यों? क्योंकि इसमें हर वो तत्व समाहित है जो आगे संविधान में मात्र व्याख्यायित है। इसका मतलब संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, पहली बार आधारभूत ढांचे का इस पर सिद्धांत भी पारित हुआ इसी केस में। मतलब इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि इसमें संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन कैसा अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो अमेंडमेंट संशोधन ऐसा किया जा सकता है जो सकारात्मक हो, मतलब जो संविधान की गुणवत्ता को बढ़ा दे, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की संशोधन के द्वारा न्यूनतम चीजें ना आए। यानी क्या हो? संविधान की गुणवत्ता बढ़े, सकारात्मक हो, वही संशोधन होगा। उसी को आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी का सिद्धांत कहा गया। और यही था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। उन्होंने कहा ये संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इसका मतलब संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान अगर महल है तो प्रस्तावना वहां आधारशिला है। यही था और इसी वजह से इसमें संशोधन की बात की गई। जिस प्रकार संविधान के अन्य उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भी किया जा सकता है, किंतु यह केवल इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला संशोधन होना चाहिए, ना कि कम करने वाला। तो हम इन सब डिटेल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जुड़ने की, क्योंकि हम आपको बहुत नई तकनीक के साथ पढ़ाने वाले हैं और सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं। केवल और केवल इससे आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं है, इससे कहीं ना कहीं हमारे कोचिंग परिवार के स्वार्थ की पूर्ति है कि हम खुद को आंक लें कि हम टीजीटी के या पीसीएस या किसी भी फील्ड में जो हमारी टारगेट विद ऑनलाइन क्लासेस परिवार है, इसमें इतना गट्स है कि हर एग्जाम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो कम अंकों में आए चाहे वो ज्यादा अंकों में आए, हमारे पैमाने कहां तक सही है। तो ये केवल आपका आकलन नहीं है, ये हमारे परिवार का आकलन है और हम सबने मिलकर ठाना है। फिर यही संकल्पना लीजिए, आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे, सही दिशा में मार्ग की ओर चलेंगे, अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और मन में ठाने होंगे कि केवल और केवल एक ही सूत्र है और वो है जीत हासिल करना। तब हम और आप दोनों सफल होंगे और सफलता की ऊंचाई की ओर होंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपकी सफलता है। इसलिए मित्रों, इसको देखें और हमारे साथ जुड़े। ये परिवार आपको आपकी सफलता के साथ खड़े पैमाने पे लाने को तैयार है। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।